चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के एक्सपर्ट है डॉक्टर नेहा सैनी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर हमारे इस खास शो में। नेहा जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है। थैंक यू लवीना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। देखिए नेहा जी, कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो अब सामने आ रहा है वो फेफड़ों पर असर डाल रहा है और घातक बीमारियां यानी कि निमोनिया और फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। तो सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैसे इस बीमारी से अपने फेफड़ों को बचाया जा सकता है फिजियोथेरेपी के माध्यम से। नेहा जी जी लवीना, देखिए निमोनिया और फाइब्रोसिस दो ऐसी बीमारियां हैं जो कोरोना संक्रमण के होने के बाद तक भी मरीज़ का पीछा नहीं छोड़ रही है। आप अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर देते हैं, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आ जाती है तो भी आपको अपने सिम्टम्स को जांचते रहना है, आपके सिम्टम्स पर नज़र रखना है। अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, आपको छाती में भारीपन लग रहा है, आपको छाती के किसी भी हिस्से में सांस लेने के साथ में अगर दर्द महसूस होता है, आपको लगता है एक शार्प सा दर्द आपके छाती में हो रहा है, अगर बुखार आपका नहीं टूट रहा है, और सबसे जरूरी बात के अगर आपको कोरोना संक्रमण के दौरान जुकाम रह चुका है तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है निमोनिया को लेकर, क्योंकि यही जुकाम आपका आगे जाकर ठीक होने के बाद भी अगर आपके बैक्टीरिया वायरल पूरी तरह से बॉडी से नहीं जा पाते हैं तो आपको निमोनिया में कन्वर्ट होने की शिकायत रह सकती है, और अगर निमोनिया आगे बढ़ता है तो वही निमोनिया आगे जाके फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके मैं ट्रीटमेंट की सलाह आपको ये दूंगी कि आप अपने कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट से जाकर मिलें। पहले आप अपनी जांच करवाएं। फिजियोथेरेपी में बहुत सारी जांचें हम लोग करते हैं ये देखने के लिए कि आपके फेफड़े 100% काम कर रहे हैं या नहीं, आपका जो लंग कैपेसिटी है वो पूरी है या नहीं। उस जांच के बाद में हम ट्रीटमेंट लाइन पेशेंट की डिसाइड करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर पस हमारी छाती में कहीं जमा है उसे निकालना। ठीक है नेहा जी, इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन चूंकि फोन लगातार अब हमारे पास आ रहे हैं और लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, सबसे पहले कॉलर हमारे साथ दिनेश चौहान जुड़े हैं। दिनेश, क्या सवाल है आपका, आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। जी मैम नमस्ते, मैं दिनेश चौहान रामदेवस बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फेफड़ों की किस प्रकार से सावधानियाँ रखें। ठीक है नेहा जी, देखिए इनका सवाल ये है, चूंकि घातक की बीमारी है निमोनिया हो या फिर फाइब्रोसिस हो, तो कैसे इससे बचा जा सकता है, और यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि इससे बचाव के अब क्या कुछ उपाय हैं, कैसे फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, इसकी आप जानकारी देते। जी इस चीज़ को हम दो हिस्सों में अच्छे से समझ सकते हैं लवीना। अगर आप क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं, आपको संक्रमण हुआ ही है, तो आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से फ़ोन पर सलाह लेकर ह्यूमिडिफिकेशन सीखें। ह्यूमिडिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है जिससे श्वास नलिका में और फेफड़ों में जमे हुए कफ को पतला किया जाता है, जिससे वो बाहर निकल सके आसानी से। उसके साथ साथ आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो कि आप खुद कर सकते हैं, उसके लिए भी गाइड करेंगे। ये क्वारंटाइन पीरियड के लिए है, और अगर आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है, आप की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है, तो आप एक बार जाकर अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, उन्हें टेस्ट करने दें अपने लंग्स के, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, आपकी वाइटल कैपेसिटी वो जांचेंगे, उस आपका चेस्ट एक्सरे, आपका चेस्ट सीटी करवाने के बाद में आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी रह गई है और जो बाकी कैपेसिटी है उसे कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, इसके लिए वो आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट रिजीम्स होते हैं, कुछ हमारे पास मशीनें होती हैं, ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी, ह्यूमिडिफिकेशन थेरेपी, एक्सरसाइज, पोस्चरल ड्रेनेज, जैसा कि आपने जिक्र किया था, तो ये सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आजकल आ गई हैं जिसकी मदद से एक्सपर्ट हैंड्स आपके लंग्स को ट्रीट करते हैं आफ्टर एनी इन्फेक्शन, आफ्टर कोरोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बीकानेर से दर्शक जुड़ चुके हैं, रमेश इनका नाम है। रमेश, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए
फोन यहाँ पर कट चुका है, लेकिन अगला कॉल आएगा तो एक बार फिर से सवाल लेंगे। लेकिन नेहा जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये मसला है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि समय समय पर ये सामने आता है कि जिसको कोरोना का संक्रमण होता है, सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो सांस लेने में होती है, ऑक्सीजन की जो कमी है वो शरीर में देखने को मिलती है। तो क्या फिजियोथेरेपी के माध्यम से, या फिर क्या कोई ऐसी फिजियोथेरेपी है जिसके माध्यम से उस चीज को भी बढ़ाया जा सकता है, जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है जिससे सांस लेने में तकलीफ ना हो? जी लवीना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फिजियोथेरेपी ही एकमात्र ऐसा साधन है, चेस्ट फिजियोथेरेपी की मैं बात करूं तो वो एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप अपने लंग्स का सैचुरेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। होता क्या है कि कोई भी आपको संक्रमण होता है तो आपकी सांस नलिका अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाते हैं आपके लंग्स में, एल्वियोलाई ब्लॉकेज हो जाती है, स्प्यूटम उसमें जमा हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी में बहुत सारी थेरेपीज, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ह्यूमिडिफिकेशन, ब्रोंकोडायलेटर, प्रिस्क्राइब ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी और चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी में भी अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग काम में लेते हैं, पोस्टरल ड्रेनेज हम लोग काम में लेते हैं, वाइब्रेशन थेरेपी, परकर्शन और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम उस अंदर से अंदर, नीचे से नीचे के लोब में अगर आपके कफ जमा है तो उसे भी हम सेंट्रल लाइन में लेकर आते हैं और सेंट्रल लाइन से हम आपको उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो जैसे ही वो कफ आपके लंग्स को छोड़ता है, आपके लंग्स अपनी फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले भी, ठीक है नेहा जी, इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन क्योंकि कॉलर भी हमारे साथ है तो उनका सवाल लेना भी जरूरी है। अगले कॉलर हमारे साथ पुखराज जुड़े हैं। पुखराज, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जो छोटे बच्चे हैं 5 साल तक मैडम, तो उनको कैसे अपन माने कि इनको निमोनिया का असर है? ठीक है नेहा जी, देखिए बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो सभी पेरेंट्स जो अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए आप समझा दीजिए, क्या छोटे बच्चों में भी निमोनिया की शिकायत जब होती है तो क्या फिजियोथेरेपी के माध्यम से उन्हें भी बचाया जा सकता है? और दूसरा, आप ये भी समझा दीजिए कि बच्चों में क्या कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को निमोनिया हो सकता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों के सिम्टम्स बच्चे खुद नहीं बता सकते तो हमें उनके सिम्टम्स पे नज़र रखनी होती है। निमोनिया के और भी सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के साथ में, जैसा कि बहुत तेज़ बुखार होगा बच्चों में, जो कॉमनली देखने को मिलता है वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी बच्चों को होगी, बहुत तेज़ उल्टी होगी, बहुत फ्रिक्वेंटली उल्टी होगी उनको। खाना पीना वो एकदम से छोड़ देते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, दर्द की शिकायत करते हैं छाती में अगर बच्चा बोल सकता है तो। तीसरी बात, बुखार से बहुत परेशान होंगे बच्चे, सबसे बड़ा। सांस लेने में उनको भारीपन होगा, आप उनके सांस में बदलाव को महसूस कर सकते हैं। तो इस अगर ऐसे कोई सिम्टम आप अपने बच्चे में देख रहे हैं, बुखार, उल्टी, कन्वर्जेंस यानी कि मिर्गी के दौरे भी कई बार बच्चों को आ जाते हैं निमोनिया के चलते, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम बच्चों में देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं और फिजिशियन से उनका इलाज करवाएं। फिजियोथेरेपी एक बार प्राइमरी इलाज के बाद में स्टार्ट होती है। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। निमोनिया के लिए जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो चेस्ट सीटी और चेस्ट एक्सरे होने के बाद में पता लगता है कि बच्चों के लंग्स में कहाँ तक और कितना पानी जमा है, उसके बाद में उनकी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट होती है। उन दवाइयों के असर के साथ साथ में हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। हमारा काम होता है उस जमे हुए पानी को बाहर निकालना। तो प्राइमरी मैं सलाह ये दूंगी कि अगर बच्चों में आप ऐसे कोई सिम्टम देख रहे हैं तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं। जी, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगदीश इनका नाम है। जगदीश, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल पूछिए जगदीश जी। मेरी उम्र है 65 साल की और मुझे ना छाती में थोड़ा भारीपन सा रहता है, तो इसके लिए मुझे कौन सी वो एक्सरसाइज करनी चाहिए? ठीक है नेहा जी, इनकी उम्र इन्होंने बताई और चूंकि लक्षण आपने ये बताया कि जब फेफड़ों से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो ये एक लक्षण होता है कि आपकी छाती में दर्द रह सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है। अगर इन्हें ये महसूस हो रहा है तो क्या इनको करना चाहिए, आप इन्हें क्या सलाह देंगी?
क्या इन्हें लक्षण कोरोना के बाद में है या कोरोना के पहले से लक्षण है? अगर इन्हें लक्षण कोरोना के पहले से है तो हो सकता है कि ये भारीपन अस्थमा या ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी के चलते भी रह सकते हैं अगर इन्हें अस्थमा अगर इन्हें कोरोना अभी तक नहीं हुआ है, और अगर ये लक्षण इनके कोरोना के बाद में है, कोरोना इनका ठीक हो चुका है या कोरोना क्वारंटाइन पीरियड में ये चल रहे हैं तो इनको ये लक्षण है तो इनकी ट्रीटमेंट लाइन थोड़ी बदल जाती है। तो फिर इन्हें अपनी चेस्ट लंग्स को खाली करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर इन्हें बलगम बन रहा है तो जल्दी से जल्दी इन्हें उस बलगम को बाहर निकालना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल थेरेपीज की तरफ देखना चाहिए, ह्यूमिडिफिकेशन, वाइब्रेशन, चेस्ट थेरेपी, ऐसी कई थेरेपीज हैं फिजियोथेरेपी में मौजूद जिनका सहारा लेकर ये अपनी चेस्ट को नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि ये कोरोना संक्रमण के चलते ऐसा महसूस कर रहे हैं या संक्रमण के बिना ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लवीना दोनों ही केसेस में हमारी ट्रीटमेंट लाइन बदल जाती है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अगले कॉलर लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं और चूंकि सबसे ज्यादा ये फेफड़ों को ही प्रभावित करता है तो लोग ऐसे हैं जो तमाम सवाल पूछना चाहते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, संपत, इनका नाम है। संपत, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी, मेरे को क्या नाम है, ये थोड़े दिन पहले कोरोना हुआ था तो मेरे को ऐसे कोई लक्षण वगैरह कुछ ऐसे नजर नहीं आए थे, ना तो खांसी थी ना जुकाम थी, फिर भी मेरे को पॉजिटिव पाया गया और अब जाके मेरे को मतलब जब मेरा क्वारंटाइन पीरियड सही हो गया तो मेरे को अब जाके थोड़ा सा मतलब अब खांसी वगैरह ये अब होने लगी है। ठीक है, क्या ठीक है नेहा जी, क्योंकि अभी आपने यही बात बताई कि क्या कोरोना से पहले ये तकलीफ होती है या फिर बाद में, लेकिन अब जो सामने आया है वो ये है कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद भी ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो फेफड़ों को प्रभावित कर रही हैं, उसी से जुड़ा इनका सवाल है। जी लवीना, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है और उस दौरान इन्हें कोई खांसी या जुकाम की तकलीफ नहीं है और वो ठीक होने के रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद में अब ये सब महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। हम ये मान सकते हैं कि उनकी एंटीवायरल या एंटीबायोटिक थेरेपीज पूरी नहीं हुई है या फिर उनका असर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, उसके कारण उनके लंग्स में, उनके फेफड़ों में कुछ रेमिनेंट इन्फेक्शन रह गया है, उस इन्फेक्शन के चलते उन्हें ऐसे सिम्टम्स अब मिल रहे हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वो तुरंत अपना चेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाएं, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट सीटी और अपने चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर वो अपना चेस्ट इवैल्यूएशन करवाएं जिसमें हम ये देखेंगे कि कितनी कैपेसिटी उनकी बाकी है। अगर फिर फर्दर जो भी ट्रीटमेंट लाइन होगी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में डिसाइड। ठीक है, बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर ना करें, अगर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो फौरन आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। चलिए अगले जो कॉलर है लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्पेंद्र इनका नाम है। पुष्पेंद्र, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी। जी, ऐसा है कि मैं अराउंड 40 डेज हॉस्पिटल में रहने के बाद, कोरोना से फ्री होने के बाद घर आ चुका हूँ जी, बट अभी लंग्स की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ठीक है। नेहा जी, इनका सवाल ये है क्योंकि जो फेफड़े हैं वो पॉजिटिव होने के बाद, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कुछ कमजोर हो जाते हैं, तो उसके लिए आप इन्हें क्या सलाह दे सकती हैं? अब इन्हें लग रहा है कि इनके जो लंग्स हैं वो कमजोर हैं, क्या उन्हें कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्या फिजियोथेरेपी या फिर कोई और चीज आप इन्हें सजेस्ट कर सकती है नेहा जी? जी बिल्कुल लवीना, इनका इलाज फिजियोथेरेपी से ही संभव है और फिजियोथेरेपी ही एकमात्र इनके आगे इलाज के लिए एकमात्र साधन है। मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि ये जल्दी से जल्दी जाके किसी कार्डियोपल्मरी फिजियोथेरेपिस्ट से मिले इनके एरिया में, और दूसरी बात कि अपना पहले इवेल्युएशन करवाएं कि जो इनकी वाइटल कैपेसिटीज थी, जो टोटल लंग कैपेसिटीज थी वो कितनी कम हुई है, कितना इनके लंग्स का वर्किंग पावर कम हुआ है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। बहुत सारी थेरेपीज हम लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं, एक पूरा एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, एक पूरा मरीज की कैपेसिटीज को देखते हुए हम उसे रेजिस्टेड एक्सरसाइज, असिस्टेड एक्सरसाइजेस, बहुत सारी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, बहुत सारी तरह की ब्रीदिंग, रेजिस्टेड ब्रीदिंग और स्पायरोमेट्री और ऐसे कई मशीन, कई तरीके हैं हमारे पास जिससे हम लंग्स की ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन ये सब करने से पहले जरूरी है इवैल्यूएशन, उसके लिए जरूरी है ये किसी चेस्ट फिजियो से मिले, अपना इवैल्यूएशन करवाएं। अगर इन्हें ऐसा लग रहा है तो ये बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें क्योंकि ये चीज आगे जाके बढ़ सकती है, इनकी कैपेसिटी फर्दर कम हो सकती है क्योंकि वो कफ जो है वो जमा होता जाएगा इनकी कफ में और कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले कॉलर हमारे साथ है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। नेहा जी, रामेश्वर लाल इनका नाम है। रामेश्वर, क्या सवाल है आपका, पूछिए।
रामेश्वर आवाज आपको मिल रही है तो सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे हिंदी तो मन को मारवाड़ी आवाज सुबह सुबह दासी आवाज मैंने। ठीक है नेहा जी, मैं आपको इनका सवाल समझा देती हूँ। इन्हें ऐसी शिकायत है कि जब सुबह होती है, शायद ही सोकर उठते होंगे, तो इन्हें बहुत ज्यादा खांसी की परेशानी आती है। क्या इसका ये कोई सिम्टम है? क्या इसके लिए इलाज क्या कुछ हो सकता है? जी लवीना, ये सिम्टम कोरोना से संबंधित नहीं है, ये सिम्टम एस्थमा से ज्यादा संबंधित लग रहा है। एस्थमा के मरीजों में ऐसा होता है कि जब आप एनवायरनमेंट में किसी भी ठंडे गर्म या फिर किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खांसी या आपके श्वास नलिका का सिकुड़ना और बहुत छींके आना, ये सारे सिम्टम एस्थमा के होते हैं। और जी हाँ, एस्थमा का भी फिजियोथेरेपी में इलाज है। आपकी जो मेडिसिन थेरेपी चल रही है उसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी से एस्थमा का इलाज करवा सकते हैं। एस्थमा के लिए हम एक डिफरेंट ट्रीटमेंट लाइन फॉलो करते हैं इलाज के लिए, जो कि कोरोना से बिल्कुल ही अलग होता है। एस्थमा पेशेंट के स्टेज पे डिपेंड करता है, कौन सी स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है, क्या वो एपिसोड के दौरान हमारे पास आया है या फिर वो दो एस्थमा एपिसोड्स के बीच में अपनी वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने आया है, उस पर हमारी इलाज की प्रक्रिया निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगले कॉलर है हमारे साथ, ओम प्रकाश इनका नाम है। ओम प्रकाश, क्या सवाल है आपका, आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि गुजरात में सूरत में ये आपका केंद्र है क्या, इसका ये गवर्नमेंट का ही है या प्राइवेट में भी है फिजियोथेरेपी? ठीक है, शायद ये फिजियोथेरेपी कोई केंद्र है उसके बारे में पूछ रहे हैं। नेहा जी, क्या आपके पास जवाब है इस सवाल का? जी लवीना, मैं इनका सवाल समझ गई हूँ बिल्कुल। जी लवीना, मैं जवाब देती हूँ। फिजियोथेरेपी आजकल बहुत एडवांस हो चुका है और बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका है। आजकल गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्निशन दिया है और प्राइवेट सेक्टर्स ने भी इसको रिकॉग्निशन दिया है। आप फिजियोथेरेपिस्ट से प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर मिल सकते हैं और आपके गवर्नमेंट अस्पताल में भी आजकल गवर्नमेंट के द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, आप उनसे भी जाकर सलाह कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स आपको गवर्नमेंट सेटअप में भी मिलेंगे और आपको प्राइवेट सेटअप में भी मिलेंगे। बिल्कुल नेहा जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने आज दी, चुकी सबसे ज्यादा कोरोना का जो वार है वो फेफड़ों पर देखने को मिल रहा है और घातक बीमारियों को भी फिर न्योता देता है और उसके बाद जीवन भर की भी परेशानी इससे हो सकती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखा जाए और फिजियोथेरेपी के माध्यम से वो कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी आज आपने दी। बहुत शुक्रिया जिला रिस्तान पर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।